ओके सो व्हाट इज अप पीपल्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं पाव भाजी खाने के लिए। बहुत सारी जगह पे जाने वाले हैं लेकिन मैं सिर्फ तीन जगह का दिखाऊंगा बिकॉज मेरे को इतना मेहनत नहीं करना। सो जस्ट किडिंग। तो हम लोग जाएंगे, टेस्ट करेंगे एंड आपको बेस्ट तीन जगह के दिखाएंगे। एंड फिर आप लोग भी नीचे बताओ कमेंट्स में कि आपको कैसा लगता है, अगर आपने वहाँ पे विजिट किया है तो, और नहीं किया तो जाके विजिट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो जाओ जाके करो टेस्ट या जो करना है करो, लेकिन जाना। ओके सो अभी हम लोग आए बॉलीवुड कैंटीन एंड यहाँ पे हम लोग बहुत सारी आइटम्स ट्राई करने वाले हैं बिकॉज ये वाला बहुत ज़्यादा फेमस है। सो अभी हम लोग चलते हैं अंदर एंड देखते हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत जगह पे आप देखे होंगे कि पाव भाजी रेगुलर चलते हैं। अभी हम लोग ने भी एक वीडियो आपको दिखाया जैसे पाव भाजी रेगुलर जैसे कैसे बनाया जाता है। अभी इससे पहले आपने कभी देखा नहीं होगा इटालियन पाव भाजी कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है, उसका फ्लेवर कैसे रहता है, टेस्ट कैसे रहता है। तो प्लीज़ गाइज आप लोग देखिए हमारे इटालियन पाव भाजी को अभी हम बनाने जा रहे हैं। उसके बाद सो अब वी आर ट्राइंग दिस इटालियन पाव भाजी जो कि आज तक मैंने ट्राई नहीं किया एंड बहुत ज़्यादा क्रेजी स्टफ है। सो नाउ लेट्स ट्राई दिस एंड देखते कैसे। इटालियन पाव भाजी पहले तो हम लोग ने कभी सुनी नहीं थी, बहुत ही यूनिक सा और नया कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं हम लोग, देखते कैसा टेस्ट है इटालियन पाव भाजी का। इसका पाव भी जो फ्राई किया ना वो अलग अलग फ्लेवर में हर्ब्स एंड स्पाइसेस के साथ इन्होंने फ्राई किया है। Guys, this one is the best. Trust me, this one is best. बहुत ही awesome flavor आ रहा है। पाव भाजी पहले कभी ऐसी पाव भाजी ट्राई नहीं किया, सबको ये एटलीस्ट करनी चाहिए ट्राई। बहुत ही मस्त टेस्ट आ रहा है इसका पाव भाजी। इंग्रीडियंट्स भी इंग्रीडियंट अलग अलग है जो कि कॉमन पाव भाजी में ये मिलते नहीं, नहीं रहता है कॉमन पाव भाजी में। दिस इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। दिस वन इज बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए बॉलीवुड के। आज हम लोग बेस्ट पाव भाजी के लिए नॉमिनेशन है हमारे पास बॉलीवुड का, बॉलीवुड कैंटीन का। तो हम हमारे पास यहाँ पे अभी दो ग्राहक है, उन्हें हम पूछते हैं कि यहाँ की पाव भाजी अच्छी है कैसी है। तो आप यहाँ पे रेगुलर आते हैं? जी रेगुलर है और स्पेशली आई एम कम फॉर ईट द पाव भाजी। द बेस्ट पाव भाजी इज बॉलीवुड स्पेशल पाव। यू गेट द लॉट्स ऑफ स्टफ इन देयर, यू गेट द मशरूम पनीर and top up with the lots of cheese, especially they prepare with the amul butter, yeah, everything boss. And it's looking so yummy and tasty. Okay, so aap kitne din se khate hain? Within weeks we visit two times, every time with my friends and colleagues, yeah, and with my family. Every weekend we here you can try every dish like sandwiches, pasta, burger, but if you go with the pav bhaji it was really amazing. Okay, and here it's specially Bollywood's pav bhaji. You can go with Italian also, it's very good.
with lots of cheese, get the pastas, everything. It's really nice. Okay, thank you. So, हमने इनसे review जान लिए, तो इन्हें तो बहुत ही पसंद आई है. तो अगर आपको भी try करनी है Bollywood की पाव भाजी, तो आप भी आ सकते हैं. Thank you. ओके ऑलराइट. सो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हम लोग ने इटालियन एंड ऑल पाव भाजी टेस्ट की, जो कि आप लोगों ने देख लिया. तो अभी यहाँ के ओनर से हम लोग इंटरव्यू लेते हैं इनका, कि इनको ये आइडिया कहाँ से आया. सो ओके, वी स्टार्टेड इन 2018. हम लोग का पहला ब्रांड था द लंडन शेक्स. वी स्टार्टेड विद अ फ्रेंचाइजी. एंड मतलब क्या हो गया था, वी वर वर्किंग, वी बोथ अ फाइनेंस प्रोफेशनल्स, वी सी एस एम एम बी ए फाइनेंस. और उसके बाद वी थॉट कि यू नो लेट्स गो इन टू फूड एंड समथिंग. तो हमने लंडन शेक्स चालू किया, एक साल में अच्छा रिस्पॉन्स आया. एंड देन वी स्टार्टेड विद बॉलीवुड कैंटीन. सो ये क्लिक हुआ, मतलब हम लोग ऐसे ही खाना खाने जा रहे थे, तो एक रेस्टोरेंट में ऐसा पोस्टर्स वगैरह सब देखे, तो इनका पूरा आइडिया इनका था. एंड देन वी इंप्लीमेंटेड लाइक दैट. एक्चुअली हम लोग यहाँ पे टिपिकल नॉर्मल साउथ इंडियन ईटरी चालू करने का था, बट उस दिन ये जगह देखा और वो होटल में, जस्ट दैट वाज अ कोइंसिडेंस, वो होटल में गए तो फिर वो एकदम क्लिक हुआ, अरे लेट्स डू समथिंग बॉलीवुड स्टाइल, यू नो, क्योंकि लोगों को पसंद है, रिलेट करते हैं, यू नो, वी कैन ट्राई टू ब्रिंग थोड़ा बहुत मतलब चीजें लाके उसको, यू नो, तो वो इसीलिए वो बॉलीवुड कैंटीन किया. हम लोग फिर काफी आइटम्स इंट्रोड्यूस किए, चाइनीज है, सिजलर्स है, वो हम लोग का स्पेशलिटी है. फिर पाव भाजी तो सब जगह मिलते हैं. देन वी वांटेड समथिंग डिफरेंट, तो इटालियन पाव भाजी, मंचूरियन पाव भाजी. सो इटालियन पाव भाजी हम लोग ने ट्राई किया है. इट्स रियली गुड. हां, बहुत सच में, मतलब गाइस ट्राई दिस. कुछ तो नया कांसेप्ट था, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि पाव भाजी में मतलब जो चीजी ट्विस्ट आएगा, और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को. तो उसका आइडिया आपको कैसे आया, कहां से आया कि इटालियन से? डिफरेंट चाहिए तो कुछ तो डिफरेंट लेके आना है. शेफ के साथ मिलके हम लोग ने थोड़ा बहुत आरएनडी किया एंड देन एक रेसिपी सेट. एक आपने ट्राई नहीं किया वो मंचूरियन पावाजी, वो भी काफी है. हां, तो उसमें कैसा होता है, लाइक चाइनीज स्टाइल होता है, लाइक विद मंचूरियन बॉल्स एंड ऑल. सो इफ यू लाइक समथिंग चाइनीजी, चटपटा और पावाजी का कॉम्बिनेशन, दैट इज आल्सो गुड. वे फोंडू टाइप समथिंग, नॉट एग्जैक्टली फोंडू, मिक्स करके फ्यूजन है. एग्जैक्टली, पूरा फ्यूजन में है. और क्या क्या स्पेशल आइटम्स है जो आप लोगों पब्लिक को रेकमेंड करोगे कि आप यहाँ पे? सिज़लर्स तो हमारे लिए रहेंगे. लाइक टू स्टार्ट ऑफ विथ, हम लोगों ने ना सिर्फ तीन टाइप के सिज़लर रखे, बिकॉज वी डिडंट न्यू कि डोंबिवली में कितना डिमांड. बेसिकली हम दोनों सिज़लर के बहुत बड़े फैन हैं. जो भी सिज़लर आउटलेट ले, मोस्ट ऑफ द आउटलेट्स में हम लोगों ने ट्राई किए सिज़लर. तो हम लोग को था ठीक है, लेट्स इंट्रोड्यूस, लेट्स सी हाउ पीपल यू नो रिस्पॉन्ड टू इट. तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. लेकिन तीन सिज़लर्स थे, आज नहीं बोले तो अभी 8-9-10 टाइप के ऑलमोस्ट सिज़लर्स है हमारे मेन्यू में. And we are getting very good response. And only veg, yes? Only veg, pure veg, pure veg. This is pure veg restaurant. So, बहुत अच्छा response मिला. Okay. So, Sizzler में basically you have Shezwan, like Shashlik and all that is common, barbecue. So, इसमें भी हम लोग ने पाव भाजी Sizzlers. Okay. Pasta, cheesy pasta Sizzler, Maggie Sizzler. Maggie Sizzler तो हम लोग ने ये hotel निकलने के पहले जब London Shakes था, मतलब दूसरा outlet, वहाँ पे ही शुरू किया था. तो अभी भी London Shakes है customer है जो यहाँ पे, कहीं मुझे Maggie Sizzler ही खाना है. Okay, wow. तो मतलब यार वो fan following है. Very nice. ओके, तो अभी हम लोग अभी जो आपका जो नॉमिनेशन है वो पाव भाजी कैटेगरी में, लोगों को भी बहुत पसंद है, हम लोग को भी बहुत कमेंट्स मिले कि सबसे बेस्ट पाव भाजी यहाँ पे बॉलीवुड कैंटीन में ही है. तो ऑल द बेस्ट आपको, हम लोग और जगह पे ट्राई करते हैं. और फाइनल्स इसके जो रिजल्ट्स आने वाले वो दिवाली के लास्ट दिन पे हम लोग आके आपको अवार्ड्स वगैरह अगर जीते तो आपको हम मेक श्योर करेंगे कि आपको आके हम लोग दे दें. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. ओके, तो अभी हम लोग हैं सिद्धेश्वर अमूल पाव भाजी के यहाँ पे. एंड ये वाला भी हम लोग को बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था एंड बहुत लोगों ने कमेंट भी किए थे. चलते हैं यहाँ का टेस्ट करते हैं. ओके, तो हम लोग जो अगरकर रोड के एंड पे जो पाव भाजी है वहाँ की पाव भाजी हम लोग टेस्ट करने आए, तो देखते हैं यहाँ की पाव भाजी कैसी है. लेट्स ट्राई बनी, लेट्स ट्राई साइना. तो हम लोग इधर की पाव भाजी ट्राई कर रहे हैं. कलर भी अच्छा है, पाव भी बहुत मस्त लग रहे हैं. अच्छी है, बहुत अच्छी है. इट कैन बी, इट कैन बी कट कर दो. सिद्धेश्वर अमूल पाव भाजी के ओनर भाई साहब के साथ, तो कैसे आपके आपकी जो जर्नी रही पाव भाजी की गाड़ी की, वो कैसी रही आप बता सकते हैं क्या? देखो, हम लोग अभी इधर 13-14 साल हो गए. हाँ, तो 13-14 साल हो गए. तो इससे पहले हम लोग
हम लोग का भाई चला देते इधर, उसके बाद में वो ऑफ हो गया, उसके बाद में हम लोग चलाने, हम लोग 6-7 से अभी चला रहे थे। लेकिन हम लोग का कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स है, डोंबिवलीकर का अच्छा, हम लोग आमगुन में उल्ली आमगुन में पाव भाजी बनाते। ओके, तो 14 साल से आप चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैंने देखा है कि यहाँ पे भीड़ भी बहुत अच्छी है, और हम लोग को कस्टमर्स ने रेकमेंड किया है, हम लोग का जो कॉन्टेस्ट है उसमें बेस्ट पाव भाजी अवार्ड को आपका नॉमिनेशन हुआ है, तो ऑल द बेस्ट आपको। तो जैसे ही अवार्ड का रिजल्ट निकले रहेगा हम आपको कन्फर्म वहीं पर बता देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हम फिर से अंबिका में आए, आज हम लोग पाव भाजी टेस्ट करने आए हैं। बनी देख रहे कितना एक्साइटेड है अंबिका के पाव भाजी के लिए, इतना ही सब लोग एक्साइटेड रहते हैं अंबिका के पाव भाजी के लिए। तो देखते हैं कि अंबिका बेस्ट पाव भाजी अवार्ड जीत पाता है कि नहीं, चलो आइए देखते हैं। कमाओ हाँ भाई। ओके, तो हम पाव भाजी खाने वाले अंबिका की, लेकिन उससे पहले यहाँ के जो कस्टमर्स है उनसे पूछते कि उन्हें यहाँ की पाव भाजी कैसी लगती है। तो चले मिले उनसे पूछते हैं। तो मैडम, आपको अंबिका की पाव भाजी आपने खाई अभी, तो आपको कैसी लगी यहाँ की पाव भाजी? अच्छी लगी आपको? अच्छी थी आपको सर? बहुत अच्छी थी। तो हम लोग कल्याण डोंबिवली में बेस्ट पाव भाजी का अवार्ड दे रहे हैं, तो कल्याण डोंबिवली जितने भी पाव भाजी के रेस्टोरेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि उससे बेस्ट लोगों तक पहुँचे। तो आपको लगता है कि यहाँ की पाव भाजी बेस्ट अवार्ड जीत सकती है? जीत सकती है। आपको? और आपको सर? हाँ, जीत सकती है। तो आपको यहाँ, आप और यहाँ पे कौन से डिशेज है जो आप खाना पसंद करते हैं यहाँ पे? हम लोग इधर सेकेंड टाइम ही आए, सेकेंड टाइम ही आए, तो इतना आइडिया नहीं है कुछ। ओके, ऑल राइट। तो आप यहाँ पे ही रहते, डोंबिवली में ही रहते, तो आपको कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है? आप रेकमेंड कर सकते हैं हमें कि हम कहाँ पे जाएं और वहाँ का खाना टेस्ट करें? तो हर टाइम रामकृष्ण में जाते हैं। और आप मैडम? वही। ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच रिव्यूज देने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पे पाव भाजी टेस्ट करेंगे, पाव भाजी अंबिका की पाव भाजी, मज़ा आएगा। चलो टेस्ट करते हैं पाव भाजी, अंबिका का पाव भाजी टेस्ट करते हैं। ओके, तो पाव भी काफ़ी बटरी है, बहुत अच्छा है, और भाजी भी एकदम बहुत ही सुंदर दिख रही है, देखने में तो बहुत ही सुंदर। हाँ, और मैं ये सब बटर वाला खा रहा हूँ, मेरे को ऐप्स से समझ रहे हो तुम लोग, ऐप करवा दिए था, क्रेजी थिंग, बटर वाला खाओ और ऐप मिलेंगे तुमको। वाओ, क्या फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा प्याज भी डाल देते हैं, टेस्ट अच्छा है, लेकिन मेरा मुंह जल गया, गरम, बहुत गरम, एकदम मस्त है पाव भाजी आपकी, जीत सकते हैं, डेफिनेटली जीत सकते हैं। क्या पाव भाजी में कुछ मिला लगता है बनी, थोड़ा पाव भाजी से ऐड कर रहा है, मेरे को नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, तो पाव भाजी खाते हैं। और ऑल द बेस्ट अंबिका, मोस्ट प्रोबेबली अंबिका भी जीत सकते हैं पाव भाजी का अवार्ड, तो देखते हैं कौन जीतता है पाव भाजी का। थैंक यू। ओके, सो अभी हम लोग पाव भाजी टेस्ट करके आ गए, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अब तक ये कपड़े में, ये बैकग्राउंड में क्यों, कॉज ये मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, मैं डिले हो गया था, होता है यार, इंसान से ही गलती होती है। सो अभी एडिटिंग एंड स्टफ चालू है, सो बाकी भी बहुत सारे व्लॉग्स आ रहे हैं, इन लोग मैं व्लॉग करता हूँ तभी बीच में आता है, तो इसको इग्नोर करो और मेरी बात पे ध्यान दो। तो अभी हम लोग गए थे टेस्ट करके आए, मैं ऐसे ऐसे क्यों कर रहा हूँ, यो आने से बहुत थक गया, तो नहीं सब ऐसे शूट कर रहे तो मैं इसको एंड नहीं कर रहा है। सो इन लोग भी यहीं पे बैठे हैं, ये DOP फाउंडर ब्लॉगर सब लोग यहीं पे, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। ये कुत्ते को तो आप इग्नोर ही करो, ये सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल, ठीक है, चुप हो गया, नहीं वापस चालू हो गया, US नाउ चैनल का नाम पूछ रहा है। तो लेट्स एंड द व्लॉग, बाय।